अशोकनगर में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजित शिव महापुराण कथा का आज तीसरा दिन था। कथा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और बड़े ही धैर्य से पंडित प्रदीप मिश्रा को सुना। शिव महापुराण कथा अशोकनगर के नवीन कृषि उपज मंडी में आयोजित हो रही है। पिछले दिनों हमने देखा था कि पंडित प्रदीप मिश्रा के भजनों पर भक्त जमकर थिरक रहे थे। बुधवार को भी भक्तों ने कथा का आनंद लिया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कराया, जिससे चारों तरफ आनंद का माहौल छा गया था। इस कथा की भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां करीब 10 स्कूलों का टाइम सिर्फ इसलिए बदल दिया गया क्योंकि जिले में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा हो रही है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर स्कूलों को 12 बजे से पहले छुट्टी करने के निर्देश दिए थे। शिक्षा विभाग का तर्क है कि इलाके में भारी भीड़ की संभावना है, भीड़ के कारण छात्रों को कोई परेशानी नहीं हो इसलिए दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से छुट्टी कर दें। कथा में 4 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। गांव-गांव से लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। प्रशासन व समिति के कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ सेवा कर्मों में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के बेल आइकन दबाना ना भूलें।